हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज के वीडियो में आप देखेंगे ब्लूटूथ ऑपरेटेड एंड आर्डुइनो बेस्ड ऑटोमेटिक रोबोट फॉर ट्रांसफर पर्पस। सो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आर्डुइनो यूनो बोर्ड, L293D मोटर ड्राइवर, ब्लूटूथ मॉड्यूल, 12 वोल्ट बैटरी, अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल एंड डीसी मोटर। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आऊ एक नया सा प्रोजेक्ट टॉपिक्स जो है ब्लूटूथ ऑपरेटेड एंड आर्डुइनो बेस्ड ऑटोमेटिक रोबोट्स फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस। सो दोस्तों, ये जो रोबोट्स है, ये रोबोट्स आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी यहाँ पे कोई आपके चीज़ें यहाँ से वहाँ पे लेके जाने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा करके कंपनी की कंपनी में इसे आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे कंपनी में मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स करके भी इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो ये रुकना चाहिए, नहीं तो ये किसी को भी धक्का दे देगा, क्योंकि ये ड्राइवरलेस है। जी हाँ दोस्तों, मैं ड्राइवरलेस कार आपके लिए लेके आया हूँ। ये ड्राइवरलेस रोबो है, ये ड्राइवरलेस व्हीकल है। ये इस प्रकार का व्हीकल है, आप इसको जिस प्रकार से गाइड दोगे, यानी ब्लूटूथ से आप इसे जिस प्रकार से आगे लेना चाहोगे, पीछे लेना चाहोगे, राइट्स में या लेफ्ट में से मोड़ना चाहोगे, तो ऑटोमेटिकली चल सकता है, ड्राइवरलेस से काम हो जाएगा। तो लेकिन इसके लिए अगर कोई सामने आता है तो उसे धक्का ना दे, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक्स मॉड्यूल्स लगा लिया है। अगर कोई भी इसके सामने आ जाता है तो तुरंत रुक जाएगा, अगर आप उधर से कितना भी कमांड देते रहे तो भी ये आगे नहीं जाएगा। ओके, सो गाइस, इसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है एक, एक्चुअली मेरा एक एंगल का ब्रैकेट्स मैंने इसके लिए यूज़ किया है, और इसके लिए जो एक मैंने डीसी मोटर्स यूज़ किए हुए हैं ताकि ये आसानी से ये मेरा व्हीकल्स चल सके। और ये व्हीकल पूरी तरह से ब्लूटूथ गाइडेड व्हीकल्स है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये ब्लूटूथ मॉड्यूल पे मैंने लगा दिया है ST05 नाम का, और साथ में ले लिया मैंने एक आर्डुइनो बोर्ड्स। सो गाइस, ये आर्डुइनो यूनो का बोर्ड्स आपको नजर आता होगा, और ये जो आर्डुइनो यूनो का बोर्ड्स है इसको मैंने मेरे ये ब्लूटूथ मॉड्यूल से, एक्चुअली जो RXTX के जो पिन होते हैं आर्डुइनो में के, वो मेरे ब्लूटूथ से मैंने कनेक्ट करवा लिए, और साथ में ही यहाँ पे मैंने एक मोटर ड्राइवर IC का जो मेरा यूनिट से, आपको अगर इस प्रकार के यूनिट्स लग रहे हैं तो हमारे ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो इसके ऊपर से भी हमारे ये सारे जो आपको लगने वाला इसका जो साहित्य है आप ले सकते हो। सो ये जो है एक L293D नाम का हमने बना लिया है इसके लिए अच्छा तरीके का एक मोटर ड्राइवर IC का सर्किट, और ये मोटर ड्राइवर IC का सर्किट जो इस मोटर्स को ड्राइव करते रहेगा, और ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है आपने जिस प्रकार से कमांड दिया हुआ है उस प्रकार से आपका रोबोट से ऐसा आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, देन नो लेफ्ट मोड़ना चाहते हो तो लेफ्ट भी मुड़ जाएगा, राइट मोड़ना चाहोगे तो राइट भी चला जाएगा, और इसके लिए आपको लगेगा सिर्फ 12 वोल्ट 7.5 AH का बैटरी, और इसे जब मैं सप्लाई दे दूंगा तो ये हो जाएगा ऑन। तो चलो चलते हैं अभी इसके वाले रियल डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसका ये जो यहाँ पर रॉकेट स्विच था पावर सप्लाई का ऑपरेट करवा लिया है, और ये जो है मेरे हाथ में इसका एक मोबाइल है जिससे मैं इसे ऑपरेट कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इसे फॉरवर्ड अगर देता हूँ, थोड़ा मैं इसके सामने हूँ तो ये चलेगा नहीं, मैं साइड से इसे फॉरवर्ड दे रहा हूँ यहाँ से, जैसे मैं इसे फॉरवर्ड दे दूंगा तो चल जाएगा, लेकिन बीच में अगर ऑब्स्टेकल आ जाए तो ये रुक जाता है। तो देखते इसे मैं देता हूँ फॉरवर्ड्स, बीच में अगर ऑब्स्टेकल आएगा तो ये देखो ऑब्स्टेकल्स आ गया, तो मेरा रोबोट रुक चुका है, यानी वर्क हो रहा है। दोस्तों, मैं इसे रिवर्स भी लेना चाहता हूँ, मटेरियल हैंडलिंग के लिए बहुत अच्छा रोबोट्स है। अबे रिवर्स भी यहाँ पे मैं इसे, एक्चुअली रिवर्स के समय मैंने इसके थोड़ा सा टाइमिंग डाल दिया था, सो ऑटोमेटिकली रिवर्स भी हो चुका है। सो इस प्रकार से अगर आपको ये रोबोट्स लेना है और इसे आप अगर इंडस्ट्री के लिए यूज़ करना चाहते हो तो बहुत अच्छा रोबोट्स है। सो प्लीज़ दोस्तों, हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा दिए हुए नंबर के ऊपर अगर आप इस रोबोट्स को परचेस करना चाहते हो तो। सो आज तक इतना ही, बाय बाय।